नमस्कार बच्चों, मैं प्रभाकर डीवीएन लाइव क्लासेस से आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज की प्रश्नावली है प्रायिकता प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता किसे कहते हैं या प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं? किसी भी घटना का घटित होना अथवा नहीं होना, उसके संभावित परिणामों का विश्लेषण करके जो हम रिजल्ट निकालते हैं उसे प्रायिकता कहते हैं कि यह घटना घटित होगी अथवा नहीं होगी। जैसे उदाहरण के तौर पर कि कोई हम लोग एक बैग लेते हैं, उस बैग के अंदर काले रंग की गेंद डाल दी जाती है। जब काले रंग की गेंद डाल दी गई है और उसमें से बोला जाता है कि लाल रंग की गेंद निकालने की प्रायिकता बताइए, तो आपको पता है कि इसमें से लाल रंग का गेंद निकल ही नहीं सकता। जब आपको श्योर है कि काली गेंद डाली थी तो लाल गेंद कैसे निकलेगी? इस कंडीशन में इसकी प्रायिकता हर संभव जीरो होगी, यानी कि आपका जब परिणाम आपको निश्चित है कि निकल ही नहीं सकता, असंभव परिणाम है, तो उसका मान हमेशा जीरो होता है। और यदि आपको बोला जाए कि इस बैग में से काली गेंद निकाल कर दी जाए, तब आप कह सकते हैं कि जब कोई भी एक गेंद बाहर निकालेंगे तो वो काली ही होगी, यानी कि घटना का घटित होना निश्चित हो तब उसकी प्रायिकता सदैव एक होती है। आपको बता दें कि प्रायिकता का जो सूत्र है वो ये है। आप जानते हैं कि घटना का घटित होना या उसके अनुकूल परिणामों की संख्या तो ऊपर, कि कोई भी अनुकूल परिणाम कि ये घटित हो सकती है वो अनुकूल है वो तो ऊपर रखेंगे, वो कुल परिणाम सदैव नीचे रखेंगे। ये इसका सूत्र है, इसको जरूर से याद रखिएगा, या इसका जो फार्मूला है वो हमें हमेशा याद रखना है। जो हमारा ये टॉपिक है प्रायिकता, उसके अंदर पहला क्वेश्चन है पासा। पासा भी एक पासा, आप देखिएगा पासा किसे कहते हैं, इसे पासा कहते हैं। इसमें एक से लेकर छह तक संख्या अंकित होती है, अर्थात इसकी कुल स्थिति कितनी होती है? इसकी कुल स्थिति होती है छह, एक दो तीन चार पाँच और छह, ये कुल छह स्थितियां इस पासे में अंकित होती है। इन छह स्थितियों में से अब आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि सम संख्या की प्रायिकता ज्ञात करें अथवा विषम संख्या की प्रायिकता ज्ञात करें अथवा चार से छोटी संख्याओं की प्रायिकता ज्ञात करें या तीन से बड़ी संख्याओं की प्रायिकता ज्ञात करें। जब भी ऐसे प्रश्न होंगे तो उसे हम लोग इस बच्चों जैसा कि आपको दिख रहा है कि प्रश्नावली 18.1 का क्वेश्चन नंबर एक है कि एक पासे को फेंकने पर चार से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करें। तो हम लोग अच्छे से जानते हैं कि जो पासा है, इस पासा में कुल कितनी स्थितियाँ होती हैं, वो होती है छः। जैसे एक दो तीन चार पाँच और ये छः, ये कुल स्थितियाँ आपको छः दिखाई दे रही हैं, ये छः स्थितियाँ होती हैं। अतः हम लोग लिख सकते हैं कि पासे की स्थितियाँ कितनी है, छः, और चार से बड़ा अंक आने की स्थिति कितनी होगी, वो होगी पाँच और छः, अर्थात दो। पाँच और छः सिर्फ दो स्थितियाँ बन सकती हैं। आपको पता है चार से बड़ी बोली है तो पाँच और छः दो स्थितियाँ बनेंगी। अब आप ये फार्मूला यहाँ पे लिखेंगे, कौन सा फार्मूला जो इसका लगता है, अर्थात प्रायिकता का फार्मूला। चार से बड़ा अंक आने की प्रायिकता बराबर, आप देखिएगा, चार से बड़ा अंक आने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिस्थिति बटा कुल परिस्थिति। आपको पता है अनुकूल परिस्थिति है दो, कुल परिस्थिति है छह, दो का भाग दिया एक बार, दो का भाग दिया तीन बार, अर्थात एक बटा तीन पाँच। आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि अगर चार से एक पास में चार से बड़ा अंक बोला गया है, अर्थात कि कुल परिस्थिति हम लोग को निकालनी पड़ेगी। आपको हमने पहले बताया पासा है, पासा में छह स्थितियाँ होती है, एक दो तीन चार पाँच छः जो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, और चार से बड़ा अंक आने की स्थिति कितनी हो गई, तीन पाँच और छः, अर्थात कुल दो स्थितियाँ हो गई है। और चार से बड़ा अंक आने की प्रायिकता
निकालना है तो अनुकूल परिस्थिति बटा कुल परिस्थिति, अनुकूल है 2 और कुल परिस्थिति है 6, तो 2/6 यानी कि 1/3। हाँ बच्चों, आपके लिए मैं उदाहरण लिख रहा हूँ और ये उदाहरण है कि एक पासे को फेंकने पर विषम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात करें। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो पासा है, इस पासे में कुल मिलाकर 6 अंक होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 6। ये 6 अंक अर्थात कुल स्थिति कितनी हो गई, 6। तो हम लोग लिखेंगे पासे की कुल स्थिति बराबर 6। अब फर्स्ट में बोला गया विषम अंक। अब विषम अंक किसे कहते हैं? हर वो संख्या जिसके अंत में 2, 4, 6, 8 या 0 आ जाए, उसमें उन संख्याओं को सम संख्या कहते हैं तथा उनको छोड़कर जितनी भी संख्याएं हैं अर्थात 1, 3, 5, 7, 9 ये संख्याएं जिन संख्याओं के अंत में आती है वो सभी संख्याएं विषम संख्या हैं। अतः जो विषम संख्या है हमें वो छांटना है। यहाँ पे 1 से 6 तक संख्या है तो विषम संख्याएं कौन सी है? पासे की विषम संख्या 1, 3, 5 अर्थात 3 स्थिति। कुल मिलाकर कितनी स्थिति बन गई है आपके सामने है? 1, 3 और 5 अर्थात ये 3 स्थितियां बनी है। अब हम लोग कुछ सूत्र में हम लोग क्या रखेंगे, जो कि विषम अंक पूछा है इसलिए विषम अंक आने की प्रायिकता, प्रश्न में देखिए विषम अंक आने की प्रायिकता वही हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। विषम अंक आने की प्रायिकता अनुकूल परिस्थिति बटा कुल परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति बटा कुल परिस्थिति। तो अनुकूल परिस्थिति कितनी है? अनुकूल परिस्थिति है 3, कुल परिस्थिति कितनी है? 6। तो 3 × 3 और 3 × 6 अर्थात 1/2 आंसर। हमेशा याद रखिएगा इनका आंसर कभी भी 1/2 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, सॉरी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता कभी भी। प्रायिकता का अंकों का जोड़ या आंसर कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, ये याद रखिएगा। अच्छा, ये तो विषम संख्या थी। इसी प्रकार से अगर प्रश्न में विषम की बजाय सम संख्या दे देते तब हम इस प्रश्न को कैसे करते? तब हम लोग यहाँ पे पासे की कुल स्थिति तो वही 6 होती और यहाँ पे विषम की जगह हम लोग लिख देते सम संख्या। तो सम संख्या कौन सी होती फिर? 2, 4 और 6 अर्थात कुल स्थिति कितनी हो गई? 3। जैसे विषम संख्या हुई वैसे इसमें भी 3 संख्या हुई है। अब यहाँ पे विषम की जगह हम लोग लिखते सम अंक आने की प्रायिकता, कुल अनुकूल परिस्थिति बटा अनुकूल परिस्थिति बटा कुल परिस्थिति यानी 3/6 आंसर वही 1/2। इस प्रकार से जब भी एक पासे का सवाल आएगा हम ये याद रखेंगे उसकी कुल परिस्थितियां कितनी बनेंगी और वो परिस्थितियां होंगी 6। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे बच्चों, यह है प्रश्नावली 18.1 का प्रश्न संख्या 8। इस प्रश्न संख्या 8 का अर्थ ये हो गया कि इसके अंदर 2 पासे के बारे में बात की गई है। मैं प्रश्न को पढ़ देता हूँ। एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, ध्यान से समझिएगा, एक पासे को आप 2 बार उछालें या फिर 2 पासों को एक साथ उछालें, एक पासे को 2 बार उछालें या 2 पासों को एक बार उछालें, दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों का मतलब एक ही होता है। आप इस चार्ट को देखिए, इस चार्ट के अंदर आपको इधर ये लाल रंग का अंक दिखाई दे रहे हैं और ये इधर आपको ब्लैक रंग का दिखाई दे रहा है। लाल रंग का मतलब ये एक लाल रंग का पासा मान लीजिए और काले रंग का मतलब काले रंग का पासा मान लीजिए। अब जब आपने लाल और काला दोनों पासों को फेंका है तो ये स्थितियां बनती है आपके सामने है 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6 इसी प्रकार से 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6 इसी प्रकार से आप जब लास्ट वाली लाइन में आएंगे तो 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6 ये स्थितियां कुल मिला के स्थिति जो हो जाती है 36। यानी कि आप एक पासे को 2 बार फेंकें या 2 पासों को 1 बार फेंकें, जब आप फेंकेंगे तो कुल स्थितियां बनती है 36। ये आपके सामने है, ये 2 पासे हैं, इन दोनों पासों को जब आपने फेंका है तो लाल और काला ये 2 प्रकार के इनके अपन ने कलर में इसको डिफाइन किया है ताकि आपको चार्ट अच्छे से समझ में आ जाए कि इस चार्ट के अंदर टोटल 36 हिस्से कैसे बनते हैं। आपको समझ में आ गया कि टोटल 36 हिस्से कौन से हैं? अब हम लोग प्रश्न की तरफ आते हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन संख्याओं का योग 9 है अथवा 13 है? तो ध्यान से समझिएगा, संख्याओं का योग की बात हो रही है, आपको यहाँ पे दिख रहा है 9,
पहले तो सबसे पहले अपने ऊपर की लाइन देखते हैं, अगर दो संख्या यहाँ पे एक और एक है, इन दोनों को यदि हम लोग जोड़ते हैं तो कितना आता है, दो। इसी प्रकार से अगर हम लोग वो संख्याओं को जोड़ते चले जाएं तो ऐसी संख्याएं हम लोग को छाटनी है जिन संख्याओं का योग नौ हो। तो देखिए हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले कुल स्थितियां लिखेंगे, तो इसका आंसर के रूप में हम लोग लिखते हैं, सॉरी एक पासे को दो बार फेंकने पर कुल स्थिति बराबर 36। आपको दिखाई दे रही है ना बच्चों कि ये 36 स्थिति कैसे बनी है। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा बेटा, कुल स्थिति हो गई है 36। अब हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं कि संख्याओं का योग नौ, तो पहला लगाकर संख्याओं का योग नौ होने की स्थिति, जब नौ होने की स्थिति बात की जा रही है तो कौन कौन सी होगी। आपको दिख रहा है कि सबसे पहले तीन और छह, क्या इन दोनों का जो नौ है आपको दिखाई दे रहा है, तीन और छह। वेरी गुड, अगली संख्या आपको दिखाई दे रही है चार पांच, दिख रही है, शाबाश। इसी प्रकार से आपको दिख रही है पांच और चार, सही, बिल्कुल सही, पांच और चार। और अगली संख्या है छह और तीन, कुल मिला के कितनी स्थिति हुई है, आप गिने एक दो तीन चार, अर्थात चार स्थिति टोटल बन गई। अब आपको यहाँ पे सूत्र लिखना है, सूत्र आपके सामने है, ये देखिए, हाँ बिल्कुल यही सूत्र है, इस सूत्र में अब हम लोग को मान रखना है, ठीक है। अब मैं इसको हटा दूं, सारणी आपको समझ में आ गई है, हटा देते हैं एक बार, वेरी गुड, चलिए ये सारणी हट गई। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर, देखिए इसका पहले का क्या है, अनुकूल स्थिति, अनुकूल स्थितियाँ कितनी हैं इसकी, चार। कुल स्थिति कितनी बनी थी, 36, चार का बाद चार में एक बार, 36 में बाद क्या नौ बार, तो आंसर आ गया 1/9। ये आपके पहले का आंसर, समझ में आ रही बात। इसी प्रकार से अब क्वेश्चन नंबर दो लगाइए, दो क्वेश्चन में आपको क्या लिखना है, दो क्वेश्चन में योग 13। आप एक बात बताइए कि कोई भी ऐसी संख्या है क्या जिनका योग 13 है, अपने पास लास्ट से लास्ट की अगर देखें तो आपको याद होगा कि लास्ट लास्ट में आया था 6.6, तो 6 और 6 को जोड़ दे तो कितना होगा 12। इसका मतलब है कि 12 से बड़ी संख्याएं योग में आ ही नहीं सकती, अगर दो पासे हैं तो, जब दो पासे हैं 12 से बड़ी संख्या नहीं आ सकती, तो 13 योग आने की स्थिति कितनी होगी, 0। 13 आने की स्थिति कितनी होगी, 0। तो हम लोग लिखेंगे योग 13 आने की स्थिति कितनी होगी, 0। और आपको याद है तो मैंने बात बताई थी कि जब भी हम लोग किसी की स्थिति का हम लोग को फिक्स हो गया कि स्थिति 0 है, तो उसकी प्रायिकता भी क्या होगी, 0, उसकी प्रायिकता भी क्या होगी, 0। अतः इसकी प्रायिकता बराबर 0, दिस इज आंसर। तो बच्चों मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है कि आपको पासे का सवाल समझ में आ गया है, फिर भी मैं आपको एक छोटी चीज़ जो पूछूँ, इसके अंदर अगर आपको ऐसा आ जाता, मैं एक बार इसको चार्ट को वापस से यहाँ पे दिखाता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा, हाँ ये आपके पास चार्ट आ गया है। इस चार्ट में आपको दिखाई दे रहा है पूरी की पूरी कि रेड कलर में तो है एक पासा और ब्लैक कलर वाले अंक हैं दूसरे पासा के। अब यदि यहाँ पर इस प्रश्न आ जाता कि एक पासे को दो बार उछाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है, किस संख्याओं का जाकर योग दे रखा है, वहाँ पर उसके बजाय बोल देते हैं कि दोनों एक जैसी संख्याएं हों यानी समान संख्याएं, तो आप देखिए चार्ट के अंदर आपको दिखाई दे रहा है एक एक दो दो तीन तीन चार चार पाँच पाँच और छः छः, ये आपको छह अंक दिखाई दे रहे हैं, अर्थात उस स्थिति में हम लोग यहाँ पर लिखते हैं समान अंक वाली स्थिति, तो आ जाती कितनी स्थिति आती है, आप यहाँ पर लिखते हैं एक एक दो दो तीन तीन चार चार पाँच पाँच और छः छः, कुल स्थिति कितनी हो जाती, बिल्कुल सही, छः स्थिति हो जाती, सही बोल रहे हैं आप, छः स्थिति हो जाती। तब यहाँ पे आंसर क्या आता, तब आता इस फार्मूला लगाने के बाद, ये जो फार्मूला था यहाँ पे, इस फार्मूला के बाद में आएगा 6/36, 6 में 6 का भाग एक बार और 36 में 6 बार, तब आंसर हो जाता 1/9।
इस प्रकार से आपको प्रश्न में कुछ भी पूछ ले, आपको प्रश्न को अच्छे से समझना है और फिर उसका उत्तर देना है। थैंक यू। आज की क्लास अपनी पूरी होती है। जय हिंद, जय भारत।